ये देख लो आपके सामने किस तरह नया नया सामान सारा टूटा पड़ा है, देख लो बेदर्दी से सब कुछ मारते। बाहर अलमारी है ये बनाई थी, सब सब तोड़ फोड़ कर चले गए साहब। जेवर था इनका, जेवर बना दे, एक दो दो चीज बनाई थी वो भी लूट कर ले गए। एक बच्ची ने MSc कर रखी, एक बच्ची ने BA कर रखा, जिनकी शादी थी। मेरी पोती जो है, मेरी पोती जिनकी शादी है वो है अब्बा है अब्बा, उसको यहाँ पे राड मारी क्या मारी, वो धार धार चीज के सिर पट रहा। हॉस सिटी हॉस्पिटल लेके गया, मैं खुद बेहोशी की हालत में हो गया। इसके बाद ये माथा जो देखा, यहाँ मासी नहीं था, इतना गहरा गड्ढा, यहाँ मासी कहाँ चला गया उसका। जो मेरा पोता यहाँ लेट रहा था नाबालिग 13-13.5 साल का, उसे यहाँ मारा, फिर कहला खड़ा हो बहुत सो लिया था। और इसने जब वहां से आया 12 बजे लेके आए, ये तब की फोटो है इसके हाथ की। तो आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है, हम लोग सब उसके खिलाफ लड़ेंगे। और बुरे लोग हैं दुनिया में, अच्छे लोग भी बहुत हैं, अच्छे लोग ज्यादा हैं, ऐसा नहीं सोचेगा कि अल्लाह को कि हाँ मुझे जाना है। मैं आपको बात बताऊं, सिवाय पुलिस के मैं और कोई नहीं देखा, कोई नहीं देखा सिर्फ, क्योंकि वे आपको वो बांध रखा इस तरीके से उन्होंने, और बस मुझे तो पुलिस ही नजर आ रही थी, और दुखत्ता मेरे पर बजा रखा था। मुझे पूरा भरा पड़ा था, पुलिस ही पुलिस थी, पता नहीं कितनी गाड़ियां थी पुलिस की। मेरी तो दरख्वास्त यह है मोदी जी, अभी छोटा बच्चा कैसे है? आपकी पोतियों का देख लो क्या हाल हो रहा है, ये यतीम बच्ची है, देख लो आपके राज में मेरा हाल, देख लो बुढ़ापे में क्या हो, क्या करा है, सब कुछ लूट कर ले गए, सब कुछ कहाँ से इनको कहाँ से उठाऊं, क्या करूं। मेरे हिसाब से अगर शायद हमारे घर में लूट या गुंडे आ जाते, शायद वो भी ये हाल ना करते जो पुलिस ने किया। ये लापरवाही कर दी किसी ने, डॉक्टरों ने चाहता हालांकि जिंदा रहता, सही सलामत हो जाता, लेकिन चाहा नहीं लोगों ने।